केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि बिल को लेकर कहा कि यह बिल अभूतपूर्व बदलाव लाने वाला है। इससे पहले यूपीए की सरकार ने भी कृषि बिल लाने की कोशिश की थी, लेकिन यूपीए की सरकार कुछ लोगों के दबाव में कृषि बिल नहीं ला सकी। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प की बदौलत यह कृषि बिल लागू हो पाया है। इस दौरान तोमर ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी निशाना साधा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर कृषि बिल के विरोध को लेकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस का विरोध अप्रासंगिक है, कांग्रेस का कृषि बिल पर दोहरा रवैया अपना रही है। उन्होंने कांग्रेस को सलाह देते हुए कहा कि कांग्रेस दो मुही राजनीति से बाज आए। ग्वालियर चंबल अंचल उपचुनाव पर तोमर ने कहा कि कमलनाथ ने 2018 के चुनाव में किसान कर्ज माफी का वादा किया था, लेकिन उन्होंने किसानों के साथ धोखा किया और कर्ज माफी न होने के चलते कांग्रेस में आंतरिक विरोध हुआ। कमलनाथ की 15 माह की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर था, कांग्रेस के पास आधार खत्म हो गया है। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत है, क्योंकि मतदाताओं ने इनका 15 महीने का शासनकाल देखा है और 15 महीने में जनता हयात तोबा करने लगी थी। देखिए, दरअसल कांग्रेस के पास मूल रूप से अब आधार खत्म होता जा रहा है। इस चुनाव में भी जो परिस्थिति बनी कि उनके पास लड़ाने के लिए कैंडिडेट नहीं थे, इससे कांग्रेस की जो दिवालिया हालत है उसका अंदाज ठीक प्रकार से लगाया जा सकता है। देखो, कृषि सुधार बिल किसानों के जीवन में अभूतपूर्व बदलाव लाने वाले हैं। जहाँ तक कांग्रेस का विरोध का सवाल है तो वो विरोध अप्रासंगिक है। कांग्रेस इन बिलों पर दोहरा रवैया अपना रही है। एक तरफ मैनिफेस्टो में कुछ अलग घोषणा करती है और धरातल पर आकर दूसरी बात कहती है। कांग्रेस को दो मुही राजनीति से बाज आना चाहिए और जो कृषि सुधार बिल हैं इनका समर्थन करना चाहिए। कांग्रेस के इस आंदोलन में देश भर का कोई भी किसान उनसे नहीं जुड़ा है और भारत सरकार और नरेंद्र मोदी का नेतृत्व तो किसानों के लिए है, कांग्रेस के लिए नहीं है। ये कांग्रेस को समझना चाहिए। ये कमलनाथ जी सत्ता में है नहीं और कमलनाथ जी सत्ता में आने वाले भी नहीं, और इसलिए कमलनाथ जी जब पिछले बार चुनाव लड़े थे तब भी उन्होंने कर्ज माफी का वायदा किया था, जनता से उन्होंने वादा खिलाफी की और इसी के कारण उनकी पार्टी में आंतरिक विद्रोह हुआ। उन्होंने शिवराज सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पिछले 15 साल और अभी 6 माह के कार्यकाल में किसानों के हित में फैसले लिए। उपचुनाव के दौरान इस तरहीन बयानबाजी को लेकर तोमर ने कहा कि दिमाग में जब कुछ मटेरियल नहीं होता तो ऐसी बयानबाजी होती है। उन्होंने कहा, कांग्रेस नेता शिवराज को भूखे नंगे घर के बता रहे हैं, इस देश में गरीब होना क्या अभिशाप है। कमलनाथ अगर बड़े घर के हैं तो उन्होंने क्या कर दिया, शिवराज ने अपने परिश्रम से ये एक मुकाम हासिल किया, इसलिए 13 साल सीएम रहे। देखिए, जब दिमाग में कुछ मटेरियल नहीं होता तो फिर इस प्रकार की अनसेंट बयानबाजी होती है। अभी किसी कांग्रेस के नेता ने कहा कि शिवराज सिंह जी भूखे नंगे घर के हैं, तो इस देश में गरीब होना क्या अभिशाप है, और कमलनाथ जी बड़े घर के हैं तो उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए क्या कर दिया। शिवराज सिंह चौहान अगर गरीब घर में पैदा हुए, सरकारी स्कूल में पढ़े और उन्होंने अपने परिश्रम से मुकाम प्राप्त किया, इसीलिए तो मध्य प्रदेश उनके 13 साल के शासनकाल में आगे बढ़ा, इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना, इसीलिए मध्य प्रदेश की ग्रोथ हुई, इसीलिए मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चर ग्रोथ देश में सबसे ज़्यादा हुई। तो शिवराज सिंह जी का मूल्यांकन काम के आधार पर होगा या कांग्रेस के नेताओं के बयानबाजी के आधार पर होगा। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कांग्रेस के लोगों को कि उनको ओछी बयानबाजी से बाज आना चाहिए, नहीं कांग्रेस का बचा खुचा जो आधार है वो भी इस चुनाव में समाप्त हो जाएगा। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. Sangeet ki swar lehriyon se,
सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।